हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर अभय कुमार नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोजिस्ट हूँ मेरे साथ में है आज डॉक्टर अरिब uh, आज हम बात यह करेंगे किडनी ट्यूमर्स एंड किडनी सिस्ट के बारे में किडनी कैंसर या किडनी सिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा डायग्नोस हो रही है बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं बिकॉज़ सोनोग्राफी uh, uh, और जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कॉमन हो गए हैं so, कोई भी इंसान पेट में दर्द लेके डॉक्टर uh, के पास जाता है और एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस की जाती है तो कई बार उसमें अनरिलेटेड इंसिडेंटली किडनी ट्यूमर्स या सिस्ट डायग्नोस हो जाते हैं या दिख जाते हैं इसकी वजह से आजकल किडनी कैंसर्स के मरीज कुछ ज़्यादा ही दिखने लगे हैं किडनी uh, ट्यूमर्स या सिस्ट कई तरह के होते हैं मोस्टली जो सिस्ट होते हैं जो किडनी में सिस्ट uh, मतलब होता है जैसे कि किसी गुब्बारे में पानी भरा हो गुब्बारा हो उसको हम सिस्ट बोलेंगे सो so, सिस्ट या तो सिंपल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो जिससे की वजह से उन सिस्ट में कैंसर होने की संभावना हो उसकी ग्रेडिंग होती है और एक सिंपल सिस्ट जो कि बहुत ही कॉमन है ये सिस्ट जैसे सिंपल पानी के भरे हुए गुब्बारे जैसे होते हैं किडनी के सरफेस पे और ये यूजुअली कुछ तकलीफ नहीं देते हैं इन फाइंडिंग होते हैं और इसकी वजह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और सारे आई मीन मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास ये किडनी के सिस्ट लेके ही आते हैं और बस उनके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है बताना पड़ता है भाई आपको इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी दूसरे जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं किडनी के ये भी कई तरह के होते हैं बट मोस्टली जो ट्यूमर होती है किडनी के अंदर सॉलिड ट्यूमर इसको हम बोलते हैं सेल सेल्काश्रमा और आर सी सी अभी ट्यूमर आजकल बहुत छोटे साइज में ही हमारे पास दिखने आ चले जाते हैं पेशेंट चले जाते हैं और उनका मैनेजमेंट भी बहुत ईजी हो जाता है छोटे ट्यूमर्स को सिर्फ ट्यूमर निकाला जा सकता है किडनी को बजाई जा सकती है जिसे हम कहते हैं पार्शियल रेफेक्टमिक ये ऑपरेशन आजकल रोबोट के द्वारा या लैप्रोस्कोपिक के द्वारा की जाती है कई जगहों पे ये ओपन सर्जरी से की जाती है कई बार ये ट्यूमर्स बहुत बड़े होते हैं और उसमें किडनी को बचाना मुश्किल रहता है तो ये किडनी के साथ में ट्यूमर के साथ में किडनी भी निकालनी पड़ती है इसे हम कहते हैं रेडिकल निफ्रेक्टमी ये ऑपरेशन भी या तो ओपन टेक्निक से होती है या फिर लैप्रोस्कोप से या रोबोटिक टेक्निक से किया जा सकती है या अभी बोलिए जैसे आपने बताया ना कि आजकल इतना कॉमन हो रहा है लेकिन हम कितने यंग पेशेंट में पा सकते हैं पहले तो ये था कि कैंसर वो बड़ों में ही होता है जिसे बुजुर्ग हम बोलते हैं लेकिन कितने यंग में आपने पाया है यस देखिए किडनी ट्यूमर्स अकॉर्डिंग टू एज उम्र के अनुसार से कई तरह के हो सकते हैं किडनी ट्यूमर छोटे छोटे बच्चों में भी होते हैं इवन एक साल दो साल के बच्चे हम ट्रीट करते हैं जिसमें किडनी ट्यूमर्स होते हैं बट यूजुल ये दूसरे फॉर्म होते हैं जिसको हम जिसको हम बोलते हैं या तो न्यूरोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर तो विल्म्स ट्यूमर एक ऐसी किडनी ट्यूमर है जो बच्चों में भी हो सकती है सो so, कोई एज इम्यून नहीं है किडनी ट्यूमर किसी उम्र में भी हो सकते हैं रिनल सेल कार्सिनोमा जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर है ये यूजुअली 30-40 साल की उम्र में होते हैं बट ये 20-30 साल की उम्र में भी हो सकते हैं राइट right? तो कोई एज इम्यून नहीं है हालांकि हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट यूजुअली जो आते हैं वो 40-50 साल की उम्र के बाद ही आते हैं ओके okay? ऐसे ही हम सिस्ट के बारे में बोल सकते हैं यस yes, सिस्ट भी बहुत कॉमन है एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किडनी में सिस्ट की नंबर एंड सिस्ट के साइज बढ़ते जाते हैं मोस्टली दे आर एसिम्टोमेटिक एंड मोस्टली उनकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ओके okay. लेकिन इसकी वजह क्या है कैंसर क्यों हो रहा है सिस्ट क्यों हो रहा है राइट ये कैंसर के आ, कारण अगर पूछा जाए तो कई हैं आ, कई आ, आ, मरीजों में ये फैमिलियल होता है कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जैसे किडनी कैंसर में एक वी एच एल नाम की एक डिफेक्ट होती है जो कॉमनली देखी जाती है उसके अलावे लाइफ स्टाइल एंड स्मोकिंग टोबैको सो so, टोबैको यूज इज़ द वन फैक्टर विच इज देयर विच हैज शोन ए स्ट्रोंग कोरेशन विथ किडनी कैंसर्स ओके इसके अलावा ओबेसिटी एंड हाइपर टेंशन आर द थिंग्स जिसमें हम देखते हैं कि किडनी कैंसर्स ज्यादा होते हैं ओके बट मैक्सिम केसेस में हमें कोई लिंक uh, कोई जेनेटिक चेंजेस या कोई कारण ओबियसली दिखता नहीं है सो so कारण पता ही नहीं चलता है तो जैसे आप डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं आप इतनी हल्दी ओके okay. सो so, पहले तो साइन सिम्टम्स जो हैं इसके किडनी ट्यूमर्स के यूजअली अर्ली स्टेज़ में नहीं होते हैं ये इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाते हैं दूसरे वजह से अब जांच कराने गए और दिखे कि किडनी में ट्यूमर है लाइक like दैट जो थोड़े एडवांस होते हैं या बड़े ट्यूमर्स होते हैं यूजुअली वो पेट में भारीपन या पेट में लंप कई बार उनको हल्की बुखार रहती है और कुछ केसेस में पेशाब में खून आता है सो so, पेशाब में खून आना एक वार्निंग साइन है इसलिए मैंने सारे मरीज़ को या जहाँ भी जाता हूँ यही बोलता हूँ कि अगर पेशाब में खून आता है इवन एक सिंगल ड्रॉप भी पेशाब में खून आई हो लाइफ में एक बार भी आई हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें उसकी जाँच कराएँ टेस्ट कराएँ ये किडनी यूरेटर पेशाब की थैली ब्लाडर प्रोस्टेट किसी रस्ते में कहीं पर भी किसी बीमारी का संकेत है अभी बीमारी कोई मामूली इन्फेक्शन हो सकती है या स्टोन हो सकता है या कोई ट्यूमर हो सकता है कैंसर हो सकता है सो पेशाब में खून आना एक वार्निंग साइन है एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है किडनी कैंसर में भी हो सकता है ओके यही मोटा मोटी लक्षण हैं इसके तो अगर ऐसा है कोई पेशेंट आता है या तो इंसिडेंटली डायग्नोज है या कुछ लक्षण लेके आया और हमने उनको फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा किडनी में ट्यूमर है फिर उसकी हम फर्दर जांच कराते हैं जिसमें एक सीटी स्कैन की जाती है सीटी स्कैन अगर में उसमें दिखा कि किडनी के ट्यूमर है तो फिर उसे हम देखते हैं कि ये ट्यूमर किडनी तक लिमिटेड है या बॉडी में कहीं और फैली हुई है जिसके हम बोलते हैं मेटास्टेटिक वर्कअप बोलते हैं राइट कि बॉडी में और कहीं फैली कि नहीं फैली है सो so डिपेंडिंग कि ये ट्यूमर किडनी तक लोकलाइज्ड है और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है आई मीन किडनी के वेन्स वगैरह में स्प्रेड नहीं हुई है तो ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा ये ईजीली मैनेजेबल है जो ट्यूमर्स स्प्रेड कर गए हैं किडनी के बाहर बॉडी में लंग्स में लिवर्स में बोन्स में फैल गए हैं तो उनका यूजली ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑपरेशन करके हम क्योर नहीं कर सकते इनको इसमें ये जो कैंसर है इसमें यूजअली कोई कीमोथेरेपी भी बहुत काम नहीं करती है इसमें रेडिएशन थेरेपी का भी कोई आ, बहुत बड़ा रोल नहीं है अभी तक समझ में आया हम लोग सो इन पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके हम करते हैं टारगेटेड थेरेपी मतलब कुछ दवाइयाँ टेबलेट या इंजेक्शन है और इम्यूनोथेरेपी जिसकी वजह से जिससे हम इनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं सो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी दे के मेटासिटिक डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं किडनी कैंसर में बाकी जो लोकलाइज कैंसर है दे आर इजली क्यूरेबल मैनेजेबल बाई डूइंग सर्जरी तो इन शॉर्ट में बोलेंगे जल्दी अर्ली डिटेक्शन एंड सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट राइट सो डिटेक्शन अर्ली करना इज कैन बी डन विद रूटीन चेकअप एंड कोई uh, भी सिम्टम हो तो उसको निगलेक्ट ना करें टाइम पे अवेलेट करें सो वी कैन डिटेक्ट अर्ली एंड मैनेज इन बेटर वे एंड किडनी कैन बी प्रिजर्व द आई मीन द आउटकम बिकम्स बेटर वही जब बीमारी uh, लेट स्टेज में आती है तो ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ट्रीटमेंट कॉस्टली जाती है एंड आउटकम भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं रिगार्डिंग दिस आउटकम आई लाइक टू से प्रोग्नोसिस वाइज किडनी कैंसर्स की प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के हैं एंड uh, कौन से स्टेज में हैं अगर ये कन्वेंशनल किडनी कैंसर आर हैं और ये अर्ली स्टेज़ में हैं सो आर क्यूरेबल एंड ऑफ ऑफकोर्स सर्जरी के बाद इनको फॉलोअप में रखते हैं हमारी नज़र में रहते हैं ताकि बीमारी दोबारा कहीं आए तो हमें uh, मालूम पड़े एंड uh, जो बीमारी एडवांस uh, हो गई है मेटास्टेटिक हो गई है उसमें आउटकम उतने अच्छे नहीं होते हैं सर्वाइवल uh, दो से तीन साल तक रहती है विद द ट्रीटमेंट अभी नए दवाइयाँ आई हैं जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं उसकी वजह से सर्वाइवल थोड़ी बढ़ी है बट फिर भी कंपेयर टू लोकलाइज अर्ली कैंसर्स मेटासिटी के आउटकम अच्छे नहीं होते हैं इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज द की फॉर गुड लाइफ मैं वापस पीछे जाना चाहूँगा जैसे आपने कहा ना जेनेटिकली बहुत सारे कैंसर है जिसमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है इसमें कितना रहता है यस yes, इसमें भी कुछ जेनेटिक कैंसर्स हमें दिखते हैं जिसमें कि जैसे मैंने पहले बताया वी एच एल जीन एक वी एच एल सिंड्रोम होती है जिसमें कुछ केसेस हैं बट आ, अभी प्रैक्टिस में आ, अपने दस साल के प्रैक्टिस में वी एच एल जीन रिलेटेड कैंसर्स हार्डली हमने आठ या दस देखे हैं तो बहुत कॉमन नहीं है एंड बट दिखते हैं मिलते हैं अपने को कैंसर से जेनेटिक वाले कमिंग टू द प्रेजेंट सीनेरियो करेंड पैंडमिक कोरोना पैंडमिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड ट्रीटमेंट हैज चेंज थोड़ा बहुत हमने को अपने को मॉडिफाई करना पड़ा है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग कोरोना रिलेटेड डिजीज ड्यूरिंग द हॉस्पिटल विजिट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड द लाइवलीहुड ऑफ डिजीज गेटिंग एडवांस सो एक हमारे पास एक बीमारी कैंसर है दूसरी एक कोरोना है डिपेंडिंग कौन ज़्यादा रिस्की है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन कई बार चेंज करते हैं तो जो किडनी ट्यूमर्स पहले हम आते ही ऑपरेट करते थे अभी हम बोलते हैं कि आप दो तीन महीना रुक सकते हैं तीन महीना के बाद भी ऑपरेशन करने से शायद आपके आउटकम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा सो सर्जरी कैन बी डिलेड और डिफर्ड अगर लेकिन वही आप हॉस्पिटल में आते हैं तो शायद कोरोना एक्वायर करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे सो so, अभी कुछ जो पेशेंट सिलेक्टेड पेशेंट्स जिनमें बीमारी बहुत ही एग्रेसिव है या जैसे कि बीमारी किडनी से होकर रिनल वेन्स के अंदर फैल गई है जिसमें लगेगी अगर सर्जरी हमने डिले किया तो बीमारी और प्रोग्रेस करके इनऑपरेबल बन सकती है मतलब ऑपरेशन जिसका नहीं कर सकते हैं या फिर पेशेंट आया ऐसे किडनी ट्यूमर लेके जिसमें ब्लीडिंग हो रही है उसे पेशाब में खून जा रहा है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं सो ऐसे केसेस में हम ऑपरेशन अभी आई मीन विदाउट डिले करते हैं बट अगर छोटे ट्यू, किडनी ट्यूमर्स लेके आए हैं और पेशेंट बिल्कुल असिम्टोमेटिक है और अभी हम कोरोना के पैंडमिक आई मीन कंटेनमेंट जोन में है या पे या फिर कोरोना काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है हमारे क्षेत्र में तो कुछ दिनों के लिए तीन से चार महीने के लिए वी कैन डीले द सर्जरी विदाउट एनी रिस्क ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन और पुअर ऑंकोलॉजिकल आउटकम सो ये आ, कोरोना रिलेटेड हमारे पास सभी अपडेट्स में जो चेंजेस हुए हैं हमारे पास सेम वे विद द फॉलो अप द पेशेंट्स जो पेशेंट्स uh, हमारे पास रेगुलर फॉलोअप में ओ पी आते थे उन्हें हम कहते हैं आजकल कि आप टेली मेडिसिन का यूज़ करें वीडियो कंसल्टेशन करके हमारे पास फॉलोअप में रहें तो हमारे पास जितने पुराने पेशेंट्स जिनको हमने ऑपरेट किया है अब वो हमारे पास फॉलोअप में ओ नहीं आते उनको हम टेली मेडिसिन से ओ में फॉलोअप कर रहे हैं वर्चुअल ओ में एंड इट्स वेरी गुड टूल वेरी इफेक्टिव टूल एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी यूज इन टेली ओके इन शॉर्ट में समराइज जैसे डॉक्टर अभय ने बोला कि आप अर्ली डिटेक्शन और किसी भी वार्निंग साइन को नज़रअंदाज मत करिए हर एक लक्षण को अर्ली डिटेक्शन और कोरोना के पीरियड में टेलीमेडिसिन के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग को और उसी अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान हम कर, बनाएंगे तो प्लीज ट्राई या श्योर सो दिस इज माई की मेसेज टू ऑल द माय ऑडियंस डोंट लूज टच विद योर फिजिशियंस विद योर हॉस्पिटल्स Avoid visiting to hospitals if it's a routine checkup or routine follow-up. It can be safely done at convenience from your home by using telemedicines. Surgeries in kidney cancer for complex cyst or uh, small tumours can be delayed without any poor outcome for 3 to 6 months. Surgeries which require utmost I mean, urgent care, like bleeding tumours or renal vein thrombosis tumours we are managing nicely here without any uh, hassles with all the due precautions that should be taken during corona period in our opds in our ots in our wards thank you very much thank you